आखिर कौन है धनंजय सिंह चौहान जिन्होंने नोटा दिलवाया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस लोकतंत्र में भी 2013 तक भारतीय मतदाताओं की मजबूरी होती थी कि वोटिंग मशीन में जितने उम्मीदवारों के बटन होते थे उनमें से किसी एक को चुनना उनकी मजबूरी होती थी, चाहे कोई उनको उम्मीदवार पसंद हो या ना हो। इस बात को लेकर भारत के सबसे पहले भोपाल में रहने वाले शख्स धनंजय सिंह चौहान ने आवाज उठाई और अपने तरीके से वोटिंग मशीन में नोटा बटन देने की मांग की, जिससे यदि कोई मतदाता वोटिंग मशीन में दिए गए किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता है तो उसे नोटा नन ऑफ द अबव का बटन दबाने का विकल्प दिया जाए। धनंजय सिंह चौहान ने अपने इसी मुहिम को आगे प्रचारित करके आगे बढ़ाने के लिए 2008 के मध्य में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में उन्होंने भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और इस अहम मुद्दे पर देश भर का ध्यान आकर्षित किया। आज धनंजय सिंह चौहान से इसी मुद्दे पर बातचीत हुई, प्रस्तुत है उनसे हुई बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। एटा से नंद कुमार की रिपोर्ट, SKH न्यूज। 2008 के मध्य प्रदेश विधानसभा के आम चुनाव में मैं भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जनता के बीच उपस्थित हुआ था और मेरी एक सूत्री मांग थी कि हमें जनता को पूर्ण मताधिकार दिलाना है। इस पूर्ण मताधिकार से मेरा आशय यही था कि उस समय तक मशीन में जो प्रत्याशी के बटन दिए हुए होते थे उनमें से किसी एक बटन को दबाकर हमें अपना मत व्यक्त करना पड़ता था, जबकि कई मतदाताओं को या किसी किसी क्षेत्र में कुछ मतदाताओं को जितने उम्मीदवार मैदान में हैं उनमें से कोई भी पसंद नहीं होते। तो इस प्रकार की अपनी राय को व्यक्त करने का कोई प्रावधान नहीं था कि वो ये बता सकें कि हमें सारे उम्मीदवार जो है मैदान में उनमें से कोई पसंद नहीं है, हम सबको खारिज करना चाहते हैं। अब होता यह था कि यदि वो वोट डालने न जाएं तो ये माना जाता कि उनकी लोकतंत्र में आस्था कमजोर है, राजनीतिक समझ कमजोर है, जागरूकता की कमी है। और यदि वो विकल्प के तौर पर मजबूरी बस किसी को चुन दें तो ये संदेश चला जाता था कि जितनी भी बुराइयां हैं नेताओं में राजनीतिक दलों में वो सब जनता को स्वीकार हैं और जनता ऐसे ही लोगों को चुनाव में पसंद करती है। तो इसके लिए मेरा ये मांग थी कि एक ऐसा बटन हो जिसको दबा के आदमी ये बता सके कि हमें इनमें से कोई भी मतदाता जो प्रत्याशी है वो पसंद नहीं है, हम सभी को खारिज करना चाहते हैं, तब ये हमारा जो मताधिकार है वो पूर्ण होगा। और इसी मुहिम के चलते 2013 में जनता को ये नन ऑफ द अबव का जो नोटा का बटन मिला उसके आधार पर अब लोग अपनी ये राय व्यक्त कर रहे हैं हर क्षेत्र में और काफी बड़ी संख्या में इस बटन का उपयोग करते हैं।